दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एपीएफसी पैनल। इलेक्ट्रिकल में एपीएफसी पैनल क्या होता है इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों एपीएफसी पैनल का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल। ये जो एपीएफसी पैनल होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। एपीएफसी पैनल को ऑटोमेटिक पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पैनल भी कहा जाता है। ये जो पावर फैक्टर का रेशियो होता है एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर होता है। एपीएफसी पैनल के अंदर कैपेसिटर रहता है। ये जो कैपेसिटर होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। एपीएफसी पैनल के अंदर माइक्रो कंट्रोलर रहता है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है स्टेज वाइज पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है उसको डिटेक्ट करता है। अगर पावर फैक्टर का वैल्यू 0.9 से नीचे आ जाता है मतलब बिलो हो जाता है मतलब लैगिंग हो जाता है ड्यूरिंग द पीक आवर्स, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाता है कैपेसिटर बैंक के साथ पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो एपीएफसी पैनल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, मेटल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, बैंक में यूज़ किया जाता है, रेलवेस में यूज़ किया जाता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, केमिकल प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है।